हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, यह वीडियो आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का 11वां पार्ट है। इसमें निम्मी पैटर्न के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन समथिंग गुड हैप्पीनेस टू अस बी फील, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम महसूस करते हैं। राइट आंसर डी, पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर ए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन, अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है। राइट आंसर सी, एलिवेटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। राइट आंसर बी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो While attending an interview, इंटरव्यू में जाते समय किन बातों का पालन नहीं करना चाहिए। राइट आंसर डी, लाफ लाउडली, जोर से हंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को क्या कहा जाता है। राइट आंसर बी, ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। राइट आंसर सी, लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल, इट इज कॉल्ड, जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा कर रहा है तो उसे कहते हैं। राइट आंसर बी, फीडबैक, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि। राइट आंसर ए, इट इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When others observe you and share what they feel about your performance, they, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तो वे। राइट आंसर डी, गिविंग यू फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, आपको प्रतिक्रिया या सुधार दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको। राइट आंसर ए, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स HR एंड अदर कलीग्स टू, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों
एचआर और अन्य सहयोगियों से किसके लिए फीडबैक मिलता है? राइट आंसर बी इम्प्रूव सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। नकारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर दी जाती है। राइट आंसर सी रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के प्रयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। राइट आंसर डी नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन, अनकहा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार है? राइट आंसर ए मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश स्पष्ट और सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्स अकाउंट फॉर। राइट आंसर डी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिसाइड समबडीज पर्सनैलिटी विद हिज। हम किसी के व्यक्तित्व को उसके द्वारा कैसे तय कर सकते हैं? राइट आंसर सी बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स टू ड्राइव प्लेजर ओनली कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए गीत सुनना ही इसके अंतर्गत आता है। राइट आंसर सी अट्रैक्टिव लिसनिंग, सराहनीय सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसे खराब संचार माना जाता है? राइट आंसर ए संदेश अस्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ, आधिकारिक बातचीत किसका हिस्सा है? राइट आंसर बी फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड। जानकारी विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना कहलाता है। राइट आंसर सी वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए वेरिएबल कम्युनिकेशन, कौन सा एक मौखिक संचार नहीं है? राइट आंसर डी अटेंडिंग इंटरव्यू, साक्षात्कार में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग दियर करियर इज। अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है? राइट आंसर बी फेसिंग एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे ही इज नॉट। एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय में देरी से आता है वह नहीं है? राइट आंसर ए पंक्चुअल, समयनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर्स जनरेटली डैश व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। ग्राहक आमतौर पर डैश जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है। राइट आंसर सी परचेज मोर, अधिक खरीदें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल डैश इन पब्लिक प्लेस। जब आप लोगों को सार्वजनिक स्थान पर पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं। राइट आंसर सी लाफिंग लाउडली, जोर से हंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स वर्म्स और हार्मफुल लिक्विड्स। हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से कौन बचाता है? राइट आंसर बी ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक इंटरव्यूज हेल्प कैंडिडेट्स।
मॉक इंटरव्यू उम्मीदवारों की मदद करते हैं। राइट आंसर डी, हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में कैसे प्रदर्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किसके रूप में भेज रहे हैं। राइट आंसर सी, अटैचमेंट। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।